अगर आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपसे उतना ही प्यार करे जितना कि आप करते हैं, या आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि कोई सिर्फ आपकी ही बातें सुने, आपकी ही माने, और अगर आप चाहते हैं कि उस इंसान पर सिर्फ आपका ही राज चले, आप जो कहे वो माने, आप जो चाहे वो आपको मिले, इसका बहुत ही इजी सरल एक उपाय है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये उपाय इतना असरदार है कि आप घर बैठे इजीली इस उपाय को कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको जरूरत है इसकी। इसे कहते हैं इत्र। अगर आपके पास ये इत्र अवेलेबल नहीं है तो आप परफ्यूम या डियो का भी प्रयोग कर सकते हैं, पर आप कोशिश कीजिए कि आपकी पहली चॉइस इत्र ही रहे, क्योंकि इत्र बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होता है। जादू टोने वशीकरण में इत्र हमेशा यूज होता है, तो आप इत्र को ही अपना फर्स्ट प्रेफरेंस बनाइए। नहीं मिलता है तो आप डियो और परफ्यूम के साथ भी यह उपाय कर सकते हैं। आपको ये इत्र लेना है और शुक्रवार के दिन ही आपको ये उपाय करना है। आप सबको तो पता ही होगा कि शुक्रवार शुक्र ग्रह का दिन है, और शुक्र ग्रह हमारे रिश्तों को जोड़ने का काम करता है। कभी भी अगर किसी की कुंडली में, किसी के ग्रहों में अगर शुक्र पावरफुल है, तो उन्हें वैवाहिक जीवन में, प्रेमी प्रेमिका के जीवन में कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। और अगर किसी का शुक्र नीच का है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इस सरल उपाय से आप अपने शुक्र ग्रह भी मजबूत कर सकते हैं। जी हाँ, आपको ये उपाय शुक्रवार के दिन करना है। सफेद कलर का कपड़ा या सफेद कलर के वस्त्र आप धारण कर सकती हैं। सफेद शर्ट पहन सकते हैं, सफेद सलवार कुर्ता पहन सकती है, सफेद साड़ी पहन सकते हैं, नहीं है तो सफेद चुन्नी भी आप अपने सिर पर ले सकती हैं। उसके बाद आपको उस दिन ट्राई कीजिए कि आप सिर्फ सफेद खाना ही खाए। सफेद चावल खा सकती है, दही खा सकते हैं, और साथ ही साथ उसी दिन अगर पॉसिबल है तो आप आधा किलो शक्कर या आधा किलो चावल या आधा किलो दही या दूध, किसी भी सफेद रंग की वस्तु को आप किसी गरीब या जरूरतमंद को दान कर दीजिए। इससे आपका ये उपाय और भी पावरफुल होगा। ये उपाय आपको करना है संध्या के टाइम पर, यानी कि 6 से 7 बजे के बीच में। और इस उपाय को कैसे करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। इस उपाय को करने के लिए आपको इस इत्र की बॉटल को आपकी आँखों के करीब रखना है, ताकि जब आप मंत्र पढ़े तो आपकी आंखें इस इत्र को देख सके। आपको 3 शुक्रवार ये मंत्र जाप करना है। तो दोस्तों, 3 शुक्रवारों के बाद ये इत्र उन मंत्रों से प्रभावित हो जाएगा। और आपको उसके बाद क्या करना है ये भी बताती हूँ। आप जिस किसी इंसान को अपने वश में करना चाहते हैं, आपको उसके सामने जाने से पहले इस इत्र को अपने ऊपर लगाना है। इस इत्र की कुछ बूंदे अपने सर पर, कान के पीछे, गर्दन तक आपको लगाकर उसके सामने जाना है। और दोस्तों, जैसे ही आप उस इंसान के पास जाएंगे इस इत्र को लगाने के बाद, वो इंसान इस इत्र की महक से आपके पास आकर्षित होता आएगा। धीरे धीरे वो आपकी सारी बातें मानने लगेगा, आपके प्यार में पागल हो जाएगा, आप जो कहेंगे वही करेगा। ये सिद्ध किया हुआ उपाय है, आप इसे जरूर कीजिए। इस उपाय का फायदा उठाइए और सच्चे दिल से जिसे आप चाहते हैं उसे अपना बना लीजिए। बस इस उपाय को करने के लिए आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। आप किसी गलत इंसान या गलत चीज को पाने की चाह मत रखिए। सच्चाई से, ईमानदारी से जिसे आप चाहते हैं आप उसे इजीली पा सकते हैं। ये उपाय बहुत ही सरल, बहुत ही पावरफुल है। तो दोस्तों, अगर इस अद्भुत उपाय को करने के लिए आपको किसी भी तरह की समस्या आ रही है, या कोई क्वेश्चन है, या आपकी कोई जिज्ञासा है, तो आप बेझिझक हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए। आपकी यही समस्या नहीं, बल्कि आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब का सॉल्यूशन है। जी हाँ, समस्या है तो सॉल्यूशन भी है। तो दोस्तों, आप जिसे प्यार करते हैं वो आपको मिले, आपकी जो चाहत है वो आपके पास आए। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय माता दी।